हेलो गाइस, मेरा नाम है सुलेमान और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो है मैं कोई टॉपिक पे वीडियो मतलब नहीं बना रहा हूँ, कोई जानकारी मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि है BGMI गेम के बारे में। अभी तक तो बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ गई होगी कि BGMI जो है ऑफिशियली ये है बैन हो चुका है इंडिया में। 2-3 दिन पहले प्ले स्टोर पर से जो उसके ऐप थे पहले प्ले स्टोर पर से वो विजिबल नहीं हो रहा था, धीरे धीरे फिर ऐप स्टोर से भी वो हट गया है। तो बहुत से लोग ये गेम खेलते थे और इनफैक्ट बहुत से लोग इसे गेमर्स लोग जो हैं इसे यूज़ करते थे अपने इनकम सोर्स के लिए और बहुत अच्छे से खेला करते थे उन लोग, ये कि पॉजिटिव गेम में खेलते थे। लेकिन इसका जो है किस लिए ये बैन हुआ है, क्या है, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। गूगल ने इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है, मैं आपको यहाँ पे भी लगा दूंगा कि क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने बेसिकली कहा है कि गवर्नमेंट से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले थे कोई इस ऐप को रिमूव करने के लिए, तो उन्होंने ये ऐप रिमूव कर दिया है। और क्राफ्टन ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है, क्राफ्टन वाले लोग बोल रहे हैं कि हमें बात चल रही है उन लोग से, इंडियन गवर्नमेंट से, जो भी अपडेट रहेगा बताएंगे। तो क्या रीज़न हो सकता है, मेन बात यह आती है, सब ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी आ रही है, सब यही बोल रहे हैं कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी इस गेम को रिलेटेड, जो पहले पबजी मोबाइल था उसका ही ये जो है अपडेटेड वर्जन था, बैन होने के बाद ये आया था, आपको पता ही होगा। लेकिन इन लोग जब आए थे तो इन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाए थे, जैसे किल्स को फिनिश हटा के जो है इन लोगों ने फिनिश पे डाल दिए थे, कलर्स वगैरह सब जो है किल का लाल जो चेंज कर दिए थे, और बहुत सारे इन्होंने ऐसे टाइम रिमाइंडर्स आते थे कि आप जो है इतने टाइम बाद रिमाइंडर आएंगे कि आप गेम बंद कर दें रेस्ट लें। गेम स्टार्ट भी करते तो आपको एक मैसेज मिलता था कि एक वर्चुअल गेम है, आप इसे वो उसी तरह खेलें। तो इन्होंने अपडेट किए थे और रिसेंटली इन लोगों ने अभी इंडियन में इन्वेस्ट भी किए थे बहुत सारा, $100 मिलियन के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन क्या वजह से बहुत सारे जो है न्यूज़ फिर भी आ रही थी, वैसे रिसेंट न्यूज़ है कि एक बच्ची ने जो है एक बच्चे ने अपनी मॉम को गोली मार दिए थे इस वजह से, तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखने मिली थी, सुसाइड कर रहे थे, तो ये सब रीज़न भी हो सकता है। अब एग्जैक्ट बात तो नहीं पता है ये सब रीज़न, लेकिन आ रहे थे। और बीच में मॉनसून सीजन में मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में भी इसको लेके इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई थी कि ये सब गेम जो है यंग जनरेशन को ख़राब कर रहा है तो इसे बैन कर दिया जाए। तो ये सब पूरा सब जो है बहुत सारे रीज़न मिलके, पहले भी ये जो है इसी रीज़न से जो है गया था, अब भी यही रीज़न हो सकता है, और इस बार ये चांस ज़्यादा है कि ये वापस ना आए। इससे पिछले बार पबजी आ गया था, लेकिन इस बार ज़्यादा चांस है कि ये नहीं आ पाएगा। तो यही है बस, जो है प्ले स्टोर से भी हट गया, ऐप स्टोर से भी हट गया, अभी इसे जो भी डाउनलोड करा है जब तक सर्वर चल रहे हैं आप इसे खेल सकते हैं, लेकिन क्या पता कब तक खेल सकते हैं। और बाकी इसके दूसरे गेम के जैसे न्यू स्टेट है वो अभी दिख रहा है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर, आप उसे खेल सकते हैं, लेकिन कब तक क्या मालूम, शायद वो भी पता नहीं सकते। वही कंपनी का गेम है न्यू स्टेट, वो भी अच्छा गेम था, वो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह तो है ही। तो आप ज़रूर बताएं कि अब ये बैन होने के बाद आप कौन सा गेम खेलेंगे, कमेंट में आप ये सब ज़रूर बताएं, और आपके रीजन भी, आप क्या सोचते हैं इस बैन के बारे में वो भी ज़रूर आप कमेंट में बता दें। तो बस मुझे यही अपडेट करना था कि ये किस लिए बैन हुआ है, ज़्यादातर चांस यही है, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, तो यही सब न्यूज़ है, तो यही अपडेट देना था। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आप अभी कौन सा गेम खेलेंगे ये जो है अगर बैन हो गए होने के बाद। कॉल ऑफ ड्यूटी है, Apex Legends भी आ गया है, तो कौन सा आप गेम खेलना पसंद करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।